मंडी के भद्रवाड़ में आयोजित जनमंच में 112 शिकायतों में से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने किया। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भद्रवाड़ में आयोजित जनमंच कार्यक्रम के तहत 15 पंचायतों को चिन्हित किया गया था। इस अवसर पर सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जनमंच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जनहितैषी सोच को दर्शाता है और दूर दराज के ग्रामीण लोगों की छोटी छोटी शिकायतों व समस्याओं को उनके घर द्वार पर समाधान करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इससे लोगों की विभिन्न कार्यालयों में भागदौड़ कम हुई है। उन्होंने कहा कि जनमंच इसी प्रकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रतिमाह निरंतर आयोजित हो रहा है और मंडी सहित कुछ अन्य बड़े जिलों में माह में 2 बार इसका आयोजन किया जा रहा है। जनमंच में लोगों की समस्याओं के निवारण के अतिरिक्त उन्हें घर द्वार पर विभिन्न तरह की नागरिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मंडी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है और ऐसे में लोगों की अपेक्षाएं और अधिक हो जाती हैं। ऐसे में अधिकारी यहां जन समस्याओं के निवारण के लिए समयबद्ध कदम उठाए और आम जनता से जुड़े कार्य हल करें। उन्होंने कहा कि इस बार जनमंच के दौरान लगभग 112 शिकायतें व समस्याएं तथा 216 मांगे प्रस्तुत की गई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 10 माह के अल्प कार्यकाल में केंद्र सरकार से लगभग 9000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें 4751 करोड़ की वर्षा जल संग्रहण से सिंचाई योजना तथा 3300 करोड़ रुपए की ब्रिक्स की एक महत्वाकांक्षी परियोजना भी शामिल है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2000 से पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के संवर्धन व उन्नयन पर 800 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान है। इस परियोजना के अंतर्गत इस क्षेत्र के 85 करोड़ रुपए की योजना विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त रोपड़ी, चौक, जंझेल तथा हावड़ी पंचायतों के लिए अलग अलग से 25 करोड़ रुपए तथा आसपास की अन्य पंचायतों के लिए 20 करोड़ रुपए की योजना विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकाघाट का दौरा करके इन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने बताया कि भद्रोता क्षेत्र के लिए वर्षा जल संग्रहण के अंतर्गत अलग से योजना का प्रारूप भी तैयार हो चुका है। और आज जनमंच में लगभग 200 शिकायतें जो है उनका निवारण किया है। ऐसी ऐसी शिकायतें जो हमारे को ऐसे लगते हैं कि बहुत छोटी हैं, लेकिन जो जिन्होंने जो पात्र हैं उसके वो अति निर्धन है बेचारे, और मौके पे जो निवारण किया गया उससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जो समस्या होल्डर्स हैं उन्होंने अपने मुखारविंद से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि ऐसी एक नई सोच, नई पहल हिमाचल प्रदेश के अंदर की गई है। इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है कि पूरा जिला का प्रशासन जो है ऐसे दूर दराज के क्षेत्र में आकर के घर आंगन द्वार पर आकर के समस्याओं का निवारण हो रहा है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जहां का धन्यवाद करता हूं, वहीं मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जिन्होंने विकट परिस्थितियों में यहां पर जिस जनमंच का जो है आयोजन किया है, और जो बाकी जो मांगे बची हुई हैं वो मांगे हम जो जिला स्तर के जिला स्तर पे उनका निपटारा करेंगे, जो देश स्तर के प्रदेश स्तर पे करेंगे। बड़ी जल्दी ही महीना सवा महीना के अंदर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो है तो सरकाघाट विधानसभा चुनाव क्षेत्र का दौरा करेंगे और उनके मुखारविंद से, उनके आशीर्वाद से सरकाघाट विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पे जो वहां की समस्याएं हैं, वहां अगर कोई बड़े बड़े कोई कार्यालय खोलने हैं, नई घोषणाएं करनी है, तो वो सारा का सारा जो है मुख्यमंत्री जी कर पाएंगे। उसके लिए मैं साथ में आदरणीय रामस्वरूप शर्मा जी का, कर्नल साहब का भी धन्यवाद करता हूं और डिप्टी कमिश्नर और एसपी साहब का भी धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। जो पूरी जो एक्टिविटी है वो 3 चरणों में उसको हम डिवाइड करते हैं। ये सिर्फ आज का ही दिन नहीं है कि जिसमें हम गतिविधियां करते हैं, हमारी गतिविधियां
आपकी इस पूरी पंचायत क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से चली आ रही है। इनफैक्ट सर यहाँ पर क्योंकि जनमंच पहले 28 अक्टूबर को आयोजित होना था पर और उसके लिए भी हमने मीटिंग्स भी की थी और गतिविधियां भी शुरू हो गई थी, पर क्योंकि माननीय राष्ट्रपति महोदय का दौरा हिमाचल में था और सभी लोग उसी में व्यस्त थे, प्लस कांगड़ा और शिमला में उनका दौरा था, इस वजह से जनमंच को पोस्टपोन करके आज के दिन यहाँ पर रखा गया। तो जनमंच की गतिविधियां हमारी जनमंच से पहले चली है और उस गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कैंप्स हर पंचायत में आयोजित किए गए हैं। साथ ही आज का जनमंच है जिसमें सभी यहां पर विभागों के स्टॉल्स लगाए गए हैं लोगों की जानकारी के लिए, कुछ सर्टिफिकेट्स और बाकी जो पेंशन की फॉर्मेलिटी है, गैस कनेक्शन की फॉर्मेलिटी है, इन सब चीजों के लिए यहां पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। साथ ही मेडिकल सेटअप के लिए जो ऊपर अस्पताल है उसमें सभी डॉक्टर्स आए हैं, उसमें डिसेबिलिटी कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है, बाकी डॉक्टर्स भी वहां पर उपलब्ध है ताकि इस दिन पे जितने भी लोग यहां पर अगर कोई अपनी स्वास्थ्य जांच करना चाह रहे हैं तो यहां पर आपके घर द्वार पे ये सुविधा आज उपलब्ध है। जैसे सभी जानते हैं कि जनमंच के विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं, उसमें एक जो मुख्य गतिविधि है वो है शिकायत निवारण की। इस मौके पर मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद रामस्वरूप शर्मा, सरकाघाट के विधायक कर्नल इंद्र सिंह सहित उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर भी मौजूद रहे।